अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के मौके पर सहरसा जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी वैभव चौधरी, पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा सहित तमाम अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राज्य स्तर के योग गुरुओं ने शिरकत की, जिन्होंने जीवन में योग कितना महत्वपूर्ण है इसकी जानकारी दी और कई तरह का योग कराया। योग का जीवन पर क्या असर पड़ता है उसे बारीकी को समझाया। वही कार्यक्रम सभागार में मौजूद योगी संजय दीदी ने भी जीवन में योग की जरूरत पर प्रकाश डाला और लोगों को इस खास मौके पर शपथ दिलाया और कहा कि अपने व्यस्तम दिनचर्या में समय निकालकर योग करें और अपने जीवन को तनाव मुक्त करने के साथ साथ निरोग बनाए। मन और तन को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। आपका क्वेश्चन, क्या लोगों को संदेश? सबसे पहले तो आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे सहरसा जिले वासियों को बधाई, और आज जिला प्रशासन के द्वारा एक योगा का एक ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था और साथ ही यह भी बताया गया था कि योग हमारे जीवन में कितना जरूरी है। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से सहरसा जिले वासियों से रिक्वेस्ट है कि योग को अपने जीवन शैली के रूप में उतारें और स्वस्थ रहें। थैंक यू। जी सर्वप्रथम मैं सभी जिले वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां पर सफेद छागृह में सभी हमारे योगाचार्यों के द्वारा, जिले के प्रबुद्ध योगाचार्यों के द्वारा लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके अंदर हमारे समाहरणालय के, DRDA के, खेल विभाग के, शिक्षा विभाग के, पैरामेडिक के छात्र छात्राएं, जीविका दीदी लोग, आंगनबाड़ी के और बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इसके लाभ के बारे में जाना कि कैसे वो लोग बैठे बैठे भी या घर पर भी आसान योग करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपने जिले वासियों से भी अपील करूंगा कि वो लोग अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल रखें ताकि उन लोगों को किसी प्रकार की जो दिक्कत अवॉइडेबल है उन सबसे बच सकें। और योगा का जो हम लोगों के देश की एक संस्कृति है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर भी इस पर बहुत फोकस देते हैं, तो इसके ऊपर सब लोग अपने स्तर से भी थोड़ा भी प्रयत्न करें और अपनी लाइफस्टाइल पर एक्टिव रखें।